Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे, अपने घर में बहुत खुश होंगे। सो आज की जो वीडियो है, इसमें मैं बना रही हूँ चिकन ड्रमस्टिक, जो कि बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, देखते हैं हम इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। चलते स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 6 लेग पीस लिए हैं चिकन के। फिर मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैंने योगर्ट लिया है, और मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर लिया है, और मैंने यहाँ लेमन जूस लिए हैं, और 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। और अब हम अच्छे से चिकन के अंदर कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने से होगा कि आपके जो ड्रमस्टिक है वो बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बनेगी, और इसका जो मसाला होगा वो उसके अंदर तक चला जाएगा। ऐसे ही मैं सब चिकन को कट्स लगा लूँगी। तो जी, ये हमारे कट्स रेड लग चुके हैं, और अब मैं इसके लिए जो मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं मैं वो बनाऊंगी, जिससे हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। सो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं सारे स्पाइसेस ऐड करूंगी। आप स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप मिर्ची तेज़ खाते हैं या कम खाते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो अब मैंने ये सारे स्पाइसेस में ऐड कर लिए हैं, और मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। साथ ही इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर दूँगी, और साथ ही मैं इसके योगर्ट भी ऐड कर दूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सचर को योगर्ट के अंदर। ये मिक्स हो चुका है, और अब 1 by 1 इसमें हम चिकन ऐड करेंगे इस मिक्सचर में, और हम अच्छे से चिकन को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और इसमें अच्छे तरह से हम लोग मसाला लगाएंगे। आपने इसके कट्स में भी मसाला लगाना है। ऑलमोस्ट हमारा मसाला लग चुका है तमाम लेग पीसेस पे, और अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बट मैं इसको 6 hours के लिए रख रही हूँ। तो ये आफ्टर 6 hours मैरिनेट हो चुका है, और अब हम इसकी कोटिंग के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में मैदा लिया है, और 4 टेबलस्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और मैंने एक एग लिया है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है, और रेड चिली पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है। और अब हम इन सब चीज़ों को एक अच्छी तरह से मिक्स करके छान लेंगे।
सामने से ये होता है कि आपकी अच्छे से इसकी कोटिंग रेडी हो जाएगी और जो भी इसमें कुछ होगा वो सब साइड पे हो जाएगा, कचरा वगैरह जो होता है। तो अब हमारी कोटिंग रेडी है और अब मैं एग में डिप करूँगी इसको, एग में कोट करके, और फिर इसको हम कॉर्नफ्लोर की और मैदे की कोट करेंगे एक। फिर मैं इसको दोबारा अंडे में डिप करूँगी। कोट कर लूँगी, फिर हम इसका सेकेंड कोट करेंगे दोबारा एग में डिप करके। और ऊपर से फिर इसकी मैदे की कोटिंग करेंगे। अब वन बाय वन सबको कोट कर लेंगे। हाँ, यू कैन सी मैंने सबकी कोटिंग कर ली है। और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल गर्म कर लिया था और अब मैं वन बाय वन इसको फ्राई करूँगी। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं करना अपनी कढ़ाई को, दो से तीन सब आपने डालिएगा वरना ये आपके मूव नहीं होंगे ईजीली, क्योंकि मैंने भी इसमें तीन ऐड कर दिए थे तो मेरे भी मूव नहीं हो रहे थे। तो अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और आपका जितना ऑयल गर्म होगा उतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे। और ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे हमारे होममेड ड्रमस्टिक बनेंगे। नाउ यू कैन सी ये कितना इसका क्रिस्पी चिकन रेडी हो रहा है। अब मैं इसको मूव कर लूँगी। मैं इसको 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे लिड दे के रख दूँगी। इससे ही होगा कि जो आपका चिकन जो अंदर से नहीं पका होगा वो पक जाएगा। और फिर मैं इसको, अब देखिए आप कुक हो चुके हैं और मैं इसको निकाल लूँगी। और इस तरह से अब हम रिमेनिंग की भी फ्राई कर लेंगे। और अभी हमारे फ्राई हो चुके हैं और मैंने इसको साइड चेंज कर दी थी। मैं इसको भी निकाल लेंगे। यह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। और अगर आपके घर कोई गेस्ट आ जाए तो आप उस हाई टी पे भी बना सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं इसको। और साथ ही मैं इसके फ्राइज़ भी बना रही थी, तो आप इसको फ्राइज़ के साथ खाएंगे सॉस के साथ तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। सो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लिया है मैंने। ये मेरा थोड़ा सा स्माइली फेस ख़राब हो गया है और इससे आप इग्नोर करिएगा। तो जी देखिए आप कितने यम्मी और कितने क्रिस्पी से बने हैं, लाइक रेस्टोरेंट से भी कहीं ज़्यादा अच्छे घर में बन जाते हैं। और रेस्टोरेंट से हमें एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं तो इससे अच्छा है कि आप घर में ही बना लें। सो जी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है।
और अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।